नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज 2 जून है, राज कपूर साहब की डेथ एनिवर्सरी। 2 जून 1988 को राज कपूर साहब का स्वर्गवास हुआ था, जिन्हें हम सब रणबीर राज कपूर जी के नाम से या द शोमैन के नाम से, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा या चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा या राज साहब, इन अलग अलग नामों से हम जानते हैं। राज कपूर जी का जन्म जो है वो 14 दिसंबर 1924 के दिन पेशावर में हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा है। राज कपूर साहब ने 1935 में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म की थी, जिसका नाम था इनकलाब। उसके बाद कुछ और फिल्में करने के बाद राज कपूर ने अपना आर के प्रोडक्शन शुरू करने का सोचा, और उसके चलते 1948 में राज कपूर जी ने अपनी पहली फिल्म आर के बैनर तले बनाई, जिसका नाम था आग। आग फिल्म में उनका पहली मर्तबा साथ हुआ नरगिस जी के साथ और मुकेश जी के साथ। मुकेश जी ने पहली मर्तबा राज कपूर जी के लिए इसी फिल्म में गाना गाया था, जिंदा हूं इस तरह के गम जिंदगी नहीं। राम गांगुली जी इसके संगीतकार थे, और मुकेश जी का जो साथ है राज कपूर साहब के साथ 1948 से लेकर मुकेश जी का देहांत 1976 में जब हुआ, तब तक रहा। और आखिरी गाना जो राज कपूर जी की फिल्म में मुकेश जी ने गाया वो था चंचल शीतल निर्मल कोमल सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में। नरगिस जी का जो साथ राज कपूर साहब के साथ रहा 1948 से लेकर 1956, सिर्फ 8 साल। 8 साल के दौरान में दोनों ने साथ में 16 फिल्में की हैं, और हिंदी सिनेमा की जितनी भी जोड़ियां बहुत मशहूर हुई उनमें सबसे ज्यादा मशहूर जोड़ी राज कपूर और नरगिस जी की रही। राज कपूर साहब ने आर के प्रोडक्शन के तले तकरीबन 18 फिल्में बनाई हैं, और उन फिल्मों में सक्सेस रेशियो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ज्यादातर फिल्में बहुत ही सक्सेसफुल उनकी रही हैं। राज कपूर साहब को टोटल 10 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जिनमें 2 फिल्म फेयर अवार्ड उनको बेस्ट एक्टर के लिए मिले, एक फिल्म छलिया के लिए और दूसरा फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। बाकी के जो 8 अवार्ड्स थे वो उन्हें बेस्ट डायरेक्शन के लिए या बेस्ट एडिटिंग के लिए या अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। उसके अलावा 5 अवार्ड्स उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी दिए गए। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। बरसात फिल्म का जो एक पर्टिकुलर सीन था वही राज कपूर साहब की फिल्म का एक लोगो जो सिंबल है वो बना, जिसमें आप देख रहे हैं कि राज कपूर साहब के एक हाथ में उन्होंने नरगिस जी को होल्ड किया है और एक हाथ में उनके वायलिन है। ये सिंबल से भी आप देख सकते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्मों में हीरोइन का और म्यूजिक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, और वो हमने हमेशा देखा है उनकी फिल्मों में संगीत कमाल का, फिल्म कमाल की। राज कपूर जी के जो पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो थे शंकर जयकिशन, जिनके साथ राज कपूर की प्रोडक्शन हाउस की 10 फिल्में हैं जो आर के बैनर की हैं, और उसके अलावा की 10 और फिल्में ऐसी भी हैं जो आर के बैनर की नहीं थी लेकिन राज कपूर उन फिल्मों में बतौर एक्टर थे, और खूबसूरत शानदार संगीत उन सभी फिल्मों में हमने सुना है। राज कपूर साहब को
3 नेशनल अवार्ड भी मिले। पहला उन्हें बेस्ट फीचर्ड फिल्म के लिए श्री 420 के लिए नेशनल अवार्ड मिला, दूसरा बेस्ट फीचर्ड फिल्म के लिए जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म के लिए मिला, और तीसरा जो हाईएस्ट अवार्ड हिंदी सिनेमा का समझा जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड 1987 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों उन्हें दिया गया। प्यारे दोस्तों, राज कपूर साहब की जर्नी और फिल्मों का योगदान बेमिसाल है। 1946 में राज साहब की शादी हुई थी कृष्णा जी के साथ। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में जो मैंने सोचा कि आज के इस खास दिन आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। राज कपूर साहब को याद करके हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और बेमिसाल गाने मुकेश जी के तो रहे, उनके साथ साथ मन्ना डे जी ने भी कई सारे गाने उनके लिए गाए हैं। एक ऐसा ही शानदार प्रोग्राम जो पिछले 14 दिसंबर के दिन 2020 में हमने उनके बर्थडे के मौके पर ऑनलाइन शोज़ किया था, प्रोग्राम का नाम था एक था राजू, उसी प्रोग्राम को आज हम रीकास्ट करने जा रहे हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन 2 जून 2021 का। आज का ये दिन हम सब मिलकर उस महान फनकार को याद करेंगे, उनकी फिल्मों के बारे में कुछ बेहतरीन बातें आपको जानने मिलेंगी, गाने सुनने को मिलेंगे, और उस महान फनकार को हम आज सब मिलकर दिल से एक श्रद्धांजलि देंगे। एक ऐसे ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ हिंदी सिनेमा राज कपूर साहब को हम सब उनके चाहने वाले शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।